हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्माइल क्लासेस। तो देखिए यहाँ पे आज जो मैंने क्योंकि अपना जो मेडिकल का रिव्यू दिया था और डीवी का रिव्यू दिया था, तो वो वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, तो अगर आपको देखना तो वो देख सकते हो। तो उसमें जो मैंने कुछ आपको बताया था मेडिकल रिव्यू में, जो बताया था कि वहाँ पे कुछ कैंडिडेट को रोका गया था मेडिकल के लास्ट में, ठीक है। तो उनसे कहा था कि आप नेट ब्रेक के लिए आओ, आपका दोबारा यहाँ पर कुछ टेस्ट होंगे। तो उनमें क्या प्रॉब्लम थी, तो उसका नेक्स्ट डे उसमें उन लोग का क्या हुआ, वो मैं यहाँ पे इस वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि वहाँ पे देखिए, तीन कैंडिडेट का तो प्रॉब्लम था और एक कैंडिडेट का कुछ और इशू हो गया था। मैं जिस दिन नेक्स्ट डे बुलाया था, क्योंकि मैं हम लोग का सैटरडे को यानी 7 को हम लोग का डीवी था, 7 अक्टूबर को बैंगलोर में। उसके बाद हम लोगों को मेडिकल के लिए भेजा गया था मैसूर, यानी 8 अक्टूबर को हम लोग का मेडिकल होना था। 7 बजे वहाँ पर हम लोग को रिपोर्ट करना था हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर 7 बजे हम लोगों ने रिपोर्ट किया था, तो वहाँ पे सबके मेमो सबमिट कर लिए थे। उसके बाद मेडिकल शुरू हुआ था वहाँ पे सबका, तो वन बाय वन सबका मेडिकल वहाँ पे हो रहा था। उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ था, जब सबका मेडिकल हो गया था तो जिस कैंडिडेट को भी किसी में भी कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको वो चीज़ बताई जाती थी कि आपका ये प्रॉब्लम है। तो इसी से रिलेटेड वहाँ पर देखिए, तीन कैंडिडेट को वहाँ पर इशू आया था मेडिकल में। तो एक कैंडिडेट को उसमें जो ब्लड टेस्ट हुआ था तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा आई थी, ठीक है। तो उसका ये इशू हुआ था, तो उसको बोला था कि आप नेक्स्ट डे आओ, बिना खाए पिए फिर से आओ, तो आपका टेस्ट फिर से लिया जाएगा, ठीक है। उसका कुछ फैट भी कुछ ज़्यादा था, इस वजह से उस कैंडिडेट को दोबारा वहाँ पे बुलाया गया था। और नेक्स्ट जो कैंडिडेट था उसका था हाइड्रोसील का प्रॉब्लम था, तो उनको भी टेस्ट के लिए दोबारा बुलाया गया था। तो उनका बोला गया था आपका स्कैनिंग होगा, तो आप नेक्स्ट डे फिर से आओ, ठीक है। एक कैंडिडेट का प्रॉब्लम था, उसका कुछ रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम था, तो उसका क्योंकि उस झुकने पर उसका रीढ़ की हड्डी जो होती थी वो ऊपर नीचे कुछ दिखाई पड़ती थी। तो इन कैंडिडेट को इस प्रॉब्लम से रोका गया था। और तो जो एक कैंडिडेट को जिस दिन हम लोग को बुलाया गया था डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए, तो उस दिन क्या हुआ था, उस कैंडिडेट का एक कैंडिडेट ऐसा था जिसका RRB की तरफ से लेटर नहीं आ पाया था, मतलब जो फाइनल रिस्पांस होता है, क्योंकि जब मेडिकल रिपोर्ट सारी ये हॉस्पिटल से सबमिट की जाती है RRB को, तो वहाँ से फाइनल रिस्पांस आता है। तो उस कैंडिडेट का एक का लेटर नहीं आया था वहाँ से, इस वजह से उसको रोक लिया गया था नेक्स्ट डे के लिए। बाकी को फ्री कर दिया गया था मेडिकल, क्योंकि नेक्स्ट डे जब बुलाया गया था मंडे को हम लोग को, तो उस दिन हम लोग को लगभग एक घंटे के अंदर हम लोग को फ्री कर दिया था। कहा था कि आप लोग घर जा सकते हो, लेकिन उन्होंने एक बात बोली थी कि आप लोग अपना फ़ोन ऑन रखिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है देन हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो ये उन्होंने बोला था, हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं फाइनली, अगर बहुत ही रेयर है कि ऐसा कुछ हो कि कॉल आए या कोई प्रॉब्लम हो उसमें, तो ये वहाँ का कुछ ऐसा सीन था। तो हुआ, तो अब मैं बताता हूँ जो तीन कैंडिडेट बचे जिनको मेडिकल में इशू हुआ था, तो उनका हुआ क्या। देखिए, एक जो कैंडिडेट था जो हाइड्रोसील जिसको प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो उसको क्या बोला, उसको देखो 3 महीने का टाइम दिया गया है, उससे बोला है कि 3 महीने में आप क्या करो, इसका ऑपरेशन करा के आओ और वहाँ से जो रिपोर्ट मिलती है हॉस्पिटल में सबमिट करो, ठीक है, फिर हम RRV को भेजेंगे, फिर वहाँ से जैसा रिस्पांस होगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो फाइनली देखिए उसका क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसको बस ऑपरेशन कराने के लिए बोला, 3 महीने का उसको टाइम दे दिया है, ठीक है। और जो नेक्स्ट कैंडिडेट है जिसका रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम था, तो जिसमें ऊपर नीचे उसकी हड्डी दिख रही थी, उसको भी ऑपरेशन के लिए बोला है कि आप भी रिपोर्ट लेके आओ, 3 महीने का टाइम उसको भी दे दिया गया है। और जो एक थर्ड कैंडिडेट बचा, जो जिसको बताया था कि उसका जो ब्लड टेस्ट हुआ था उसमें शुगर या ग्लूकोज वगैरह की कुछ मात्रा वहाँ पर ज़्यादा आई थी या फैट ज़्यादा था उसका, तो उसका तो वहाँ पर नेक्स्ट डे जो टेस्ट किया गया तो उसका तो वहीं पर क्लियर हो गया था, उसका फुल एंड फाइनल मेडिकल कम्प्लीट हो गया है। तो बस देखिए, यहाँ पे दो ही कैंडिडेट को मेजर इशू आया था जिसको 3 महीने का टाइम दिया, तो उन्होंने यही बोल दिया है कि आप जितना जल्द हो सके आप ऑपरेशन करा लो और रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट कर दो, आपका क्लियर हो जाएगा मेडिकल। क्योंकि देखिए हम लोगों में क्या हुआ था, हम लोग का जो बैच हुआ था फर्स्ट बैच जो था वहाँ का बैंगलोर का, तो उन लोगों में किसी में भी कोई आई का इशू नहीं था, सबका 6/9 ही आया था वहाँ पर। तो इस वजह से जो अदर कोई भी इशू आता है तो उसमें वो लोग कॉपरेट करेंगे आपके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको टाइम प्रॉपर दिया जाएगा। और देखिए, और रह गई बात, देखिए सबसे ज़्यादा जो है कि अगर आपका आई सही है तो आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा। हालांकि वहाँ पे चेक तो देखो मैसूर में चेक तो वो सभी कर रहा है, ठीक है, कि आपका नॉकनी भी चेक करेगा, आपका फ्लैट फुट भी चेक करेगा, तो ये सब वहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं, तो आपको वहाँ पे नॉकनिंग भी चेक होगा, ठीक है, फ्लैट फुट वगैरह सब कुछ चेक हो रहा है। बाकी अगर आपकी बॉडी में कुछ भी उनको प्रॉब्लम दिख रही है तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्या हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे सब प्रॉपर चेक करेगा, बाद में क्या होता है वो रिस्पॉन्स जो है RRB को भेजा जाता है, तो फाइनल डिसीजन वहीं से आता है, ठीक है, कि अगर इसका ये प्रॉब्लम है तो उसको
क्या करना है, तो वो आरआरबी डिसाइड करती है फाइनल में। देन वो उसका जब रिस्पांस आ जाता है, तो जिनका जिनका वहाँ से रिस्पांस फाइनल हो जाता है, तो उसको वहाँ पे मेडिकल क्लियर हो जाता है। हालांकि डॉक्टर्स आपको क्लियरली नहीं बताएगा कि आपका फिट है या अनफिट है, वो बाकी, क्योंकि उनसे हम लोगों ने पूछा भी था, तो एक डॉक्टर ने, एक कैंडिडेट ने पूछा था एक डॉक्टर से, तो उसको बोल देता कि नॉर्मल है, ठीक है। बाकी डॉक्टर क्लियरली नहीं बताएगा, वो बोल देगा अब ये आरआरबी डिसाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि जो फाइनल अभी नवंबर में लिस्ट आएगी उसकी डिवीज़न अलॉटमेंट की, तो वहीं पर क्लियर हो जाएगा कि किसका क्या हुआ है। तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वो इलाज हो सकता है उसका, तो आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, तो वहाँ पे उसका कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, अब जो काफ़ी लोगों का यहाँ पे मैंने कमेंट देखा है, तो कुछ वहाँ से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, तो क्योंकि उन्होंने, उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेरे देखने की, मेरे जब आपको पता है कि OBC और ABC में प्रॉब्लम आई थी, तो मैं क्या करूँगा, अब सारे डॉक्यूमेंट का एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगा, जिससे कि अभी जो नेक्स्ट लेवल के कैंडिडेट होंगे 5324 के, क्योंकि उनको भी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उनको भी इशू ना आए और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना आए, तो मैं उसको एक सेपरेट वीडियो पूरे डॉक्यूमेंट का बना दूँगा, अपने सारे वहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखा दूँगा कि मैंने, कि अगर कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आई है, तो उसकी जगह पर मैंने क्या मैंने यूज़ किया डॉक्यूमेंट का, जिससे मुझे वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा वहाँ पर हमको बुलाया नहीं गया है, ठीक है। तो उसके बारे में भी वीडियो रहेगी। तो आपका ये वीडियो कैसा लगा, ये मेडिकल का जो रिव्यू मैंने दिया था, उसमें जो दिक्कत आई थी कैंडिडेट को, उसको मैंने, उनसे मैंने बात करके आपको बताया। हाँ, इसके बाद एक और वीडियो जो कि रह गया था, कि जो हुबली और बैंगलोर जोन का वहाँ पे मेडिकल कैसा जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो उसका मैं वीडियो भी लाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।